अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर अब यहाँ कृष्णा जी तो ठीक है, लेकिन सॉरी हम उनके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। हम जी तो कृष्णा के होने वाले बच्चे को अपनी कोख उधार देने के लिए तैयार है। हमारा बच्चा जा गए भी है ना खतरे में, ये जो निशान है ये तुम्हें तुम्हारे बच्चे की ओर लेकर जाएगा। अपनी आंखों से देखा हमने, तुमने हमारे बच्चे को पति में फेंक दिया कृष्णा। हर हर महादेव, ये तो जीत का घर है। हम यहाँ आए हैं क्यों? कृष्णा किस सोच में पड़ गई हो? चलो हमारे साथ। यस सर। अगर जीत के घर ही जाना पड़ा तो क्या करेंगे हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्णा यहाँ नहीं, यहाँ जाना है हमें। चलो अच्छा हुआ ये गली सही कम से कम जीत का घर तो नहीं है, इसी बात की तसल्ली है हमें। ऐसा तुम यहाँ रुको, हम आते। इतने सालों बाद इस गली से गुजरना, वो भी इस तरह, कभी नहीं सोचा था हमने। इस मांस वाले चोर ने बच्चे को किडनैप किया था, उसने ये धमकी वाला खत लिखा है, इसीलिए प्रोटेक्शन चाहते हैं ये घर वाले अपने बच्चे के लिए। तुम ये खत पढ़ो, हम आते। यस सर। तेरे बच्चे ने मेरा चेहरा देखा है, मतलब वो मेरे लिए एक खतरा है जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। अब वो इस दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं है, पर अगर तू उसके बचाना चाहती है तो उसकी कीमत 50 लाख है। आपने अपने बच्चे को दूसरे घर पे रख के बहुत अच्छा किया। शिव की सिक्योरिटी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा सर हम वो करेंगे, हम आपकी आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारे बेटे शिव में जान बसती है हमारी, और जैसे ही हमें इस धमकी भरे लेटर का पता लगा हमने आपको तुरंत फोन किया कि हमें पूरा भरोसा है आपके कानून पर कि हमें सही सुरक्षा देंगे। हमने आपकी सुरक्षा के लिए बाहर एक लेडी इंस्पेक्टर तैनात किया है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो हैंडल कर लेगी। थैंक यू सर। एक औरत की चौकीदारी पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जरूरी तो नहीं है दादी, महिलाओं को कमजोर समझना सही बात नहीं, पर हमारे शिव की जिसने जान बचाई स्कूल में वो भी एक महिला ही थी, और फिर ये तो ट्रेन ऑफिसर है, उन पर तो हमें पूरा भरोसा है। इन पर ही नहीं, हमें हर महिला पर पूरा भरोसा है कि वो किसी से कम नहीं है। हम जरा बाहर जाके इंस्पेक्टर से बात करके आते हैं।
अस्थाई नायब तरीका निकाला इंस्पेक्टर ने हमारे शिव को बचाने का। इन्हें देखकर लग रहा है कि हमारे शिव की सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। रुआ इनकी दादी खामखा परेशान हो रही थी, पर दादी भी खामखा इनकी प्रतिभा पर शक करे। पता नहीं क्यों हमें लग रहा है जैसे जैसा हमारा कोई रिश्ता हो इनसे। देखिए तो सही कि कौन है ये। इस समय इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रही हैं और जो भी कर रही है हमारे हमारे शिव की भलाई के लिए कर रही हैं। अभी चलते हैं यहां से। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे जीत अभी अभी यही हमारे पास था। हम भी ना, शायद ये हमारे मन का कोई वहम है। हमें अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ अपनी ड्यूटी करने आए हैं और यहाँ हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। बाहर इंस्पेक्टर को देख के आ रहे। पूरा भरोसा है कि हमारे शिव की सुरक्षा बिल्कुल सही हाथों में। कोई चिंता की बात नहीं। और तो वो भी हमारी तरह भोलेनाथ की भक्त है। बाप लोग सब अपने घर चले जाओ। हो सकता है वो किडनैपर अभी भी उस बच्चे की तरफ नजर रखा होगा। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सबको घर जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं? अरे हमारा पोता यहाँ पे अकेला कैसे रहेगा? डर जाएगा, बच्चा है वो। आप लोग सबको दूसरे के घर पे देखकर उसे शक हो जाएगा। पापा, पापा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। कुछ नहीं होगा बेटा आपको, हम सब लोग यही हैं। शांत हो, जैसे रोते नहीं। मम्मा पापा है ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। पर जीत, शिव ना बिल्कुल सही कह रहा है, हमें भी सही नहीं लग रहा। ऐसे हालात में हमारे बच्चे को यहाँ अनजान लोगों के पीछे अकेला छोड़ के कैसे चले जाए? आज तक हमारे बगैर नहीं रहे। हम रह जाते हैं ना इसके साथ, सिर्फ हम रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज हमें रहने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। गौरी, मन हमारा भी है शिव के साथ रुकने का, लेकिन हम तो समझदार हैं, शिव बच्चा है। हम लोगों में से कोई भी यहाँ रुकेगा किडनैपर को शक हो जाएगा और शिव की जान खतरे में आ जाएगी। हमें लगता है शायद तुम नहीं चाहोगे कि शिव की जान को कोई खतरा हो, तो प्लीज चलते हैं यहाँ से। हम लोग घर चलते हैं, जब मन करेगा शिव से मिलने आ जाएंगे ना। ये घर कोई कोसों दूर तो है नहीं। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए जब एक बच्चे को अपने माँ बाप से ही दूर रहना पड़े। हमने कहा था ना, हमारी लेडी इंस्पेक्टर सबका ख्याल रख लेगी। क्यों बेटा, अब तो यहाँ रहोगे ना तुम। वो
पूरे परिवार के मनाने के बावजूद, यहाँ तक कि जीत और हमारे मनाने के बावजूद शिव नहीं माना, तो फिर ये कौन है जिसके सामने आए बिना ही ये मान गया? ओके बाय बेटा। अब का ध्यान रखना, सब ठीक होगा। हमने वो बॉक्सिंग ग्लव्स की फोटो आपको दिखाई थी ना, हमें वो चाहिए। हाँ बेटा, हम भी सोच ही रहे थे कि हमारे प्यारे से राजकुमारी के लिए हम खरीद के दें। अब एक काम करते हैं, हम ना शाम को चलते हैं लेने के लिए। नहीं, शाम को नहीं, हमें अभी चाहिए, अभी 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 अभी। आखिरकार ये लेडी इंस्पेक्टर है कौन? अरे बेटा, पर अभी हम ड्यूटी पे हैं, अभी नहीं जा सकते, हमने कहा ना आपको, बाद में चलते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, अब हम ड्यूटी पे हैं, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय 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 बाय। हमें भी इस परिवार से मिल लेना चाहिए था, मिल ही नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। आपके लिए, आपको पसंद है ना? थैंक यू। मैम, मुझे आईजी सर ने भेजा है। ओके। शिव, आपको याद है वो गुंडे अंकल कैसे दिखते थे? अरे वाह, अब तो आप एक काम करिए, आप इन्हें बताइए कि वो देखने में कैसे लगते थे, सेम टू सेम जैसे दिखते थे ना, एग्जैक्ट वैसे ही बताइएगा। हाँ, हम अभी आते हैं, ठीक है? शिव भी घर पे अकेला फील कर रहा हूं, कुछ टॉयज ले लेते हैं उसके लिए, अच्छा लगेगा उसे। माई आएंगी तो पैसे दे देंगी, अभी हम अपना लव स्टैंड पर अलग रख लेते हैं। शर्म नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में चोरी करती है? ला ला तेरे पापा का नंबर दे दे, अभी उसे बुला लेते हैं। हमारे पापा नहीं है अंकल। पापा नहीं है? अगर होते तो भी तेरी ये हरकत करने की हिम्मत नहीं होती। रुक, मैं अभी पुलिस को बुला लेता। नहीं नहीं अंकल, हम चोरी नहीं कर रहे थे, माई कहती है कि चोरी करना गलत बात होती है और हम गलत बात नहीं करते। चोरी से चोरी, ऊपर सीधा चोरी। रुक, क्या बदतमीजी है? बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? हाथ नीचे कीजिए। बॉक्सर अंकल, सर आप जानते नहीं इसे, ये एक नंबर की चोर है। ऐसे होते हो बच्चे जिनके ऊपर बाप का सहारा नहीं होता। फिर आपके पिताजी हैं या नहीं? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गए। तो फिर तो आप भी ऐसी चोरी करके अपनी दुकान चला रहे होंगे। तो सही कहा ना हमने, अब इन बातों को छोड़िए और जरा अपनी दुकान का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, हम भी तो देखें बच्चा कौन सी चोरी कर रहा था आपकी दुकान से। आइए सर, दिखा दे।
क्या देखा फिर आपने? बच्चा चोरी कर रहा था या नहीं? अरे बच्चों की टॉयज की शॉप है आपकी, और बच्चों से ही बात करने की तमीज नहीं है। चलो बेटा, हम आपको दूसरी दुकान से अच्छा टॉयज दिलाते हैं। थैंक यू अंकल, बॉक्सर अंकल आपने मुझे बचा लिया। चल। मैम, जैसा बच्चे ने बताया वैसा स्केच बन गया। वेरी गुड। थैंक यू। आप यहाँ बैठो और हमें एक बात बताओ, आप दुकान में अकेले क्या कर रहे थे? आपकी मम्मी नहीं आई आपके साथ? इस टाइम तो हमारी ड्यूटी पे रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो हमारी ड्यूटी पे रहती है ना, हम आपको ग्लव्स दिलाते हैं। वैसे हमें क्या लगता है ना कि आपको बॉक्सिंग ग्लव्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा, तभी तो हम आपके फैन हैं। बिल्कुल आपके जैसे धुआंधार बॉक्सर बनना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें यकीन हो गया कि आप पक्का धुआंधार बॉक्सर बनोगे। चलो हम आपके लिए ग्लव्स लेके आते हैं। लो, खाना खाओ। नहीं चाची, मुझे नहीं खाना। खाओ जल्दी। भगवान झूठ ना बुलाए, ये अजीब मुसीबत है। खाना खा लो। इधर आओ। रुकिए। बच्चे के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप? आप जाइए, हम खिलाते हैं। उठिए। आप शिव, हम सोच रहे थे कि अगर आप ये खाना नहीं खाओगे ना तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो फिर किडनैपर अंकल, वो गुंडे अंकल को कैसे पकड़ोगे? सोचो, अगर दोबारा फिर से कभी आपको किडनैपर अंकल ने पकड़ लिया तो आप उनसे लड़ोगे कैसे? कैसे हराओगे आप उनको? उनको हराने के लिए खाना खाना तो जरूरी है ना, क्योंकि जब आप खाना खाओगे ना तभी स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो बताओ, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना? वेरी गुड, ये गुड बॉय। ये देखो। ये तो क्या चाहिए आपको? ये नहीं, नहीं? ये वाला। ये वाला चाहिए? हाँ। तो दिखाओ ये। खेले बॉक्सिंग हमारे साथ? हाँ, आपके साथ। चलो। बच्चे को सामने वाले घर में शिफ्ट कर दिया है, और तुम्हारा स्केच भी बनवा लिया है यहाँ। अगर पुलिस के चंगुल से बचना है तुम्हें तो जल्द ही कुछ करना होगा। अब देखिए अपना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।